एक बुक है जिसमें स्टोरीज लिखी जा रही है, कोई ऐसी वैसी स्टोरी नहीं, हॉरर स्टोरी, और किसी नॉर्मल स्याही से नहीं, बच्चों के खून से। दोस्तों आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्कैरी स्टोरीज टू टेल इन द डार्क मूवी को। इस मूवी को 1968 की कहानी पर बनाया गया है। 1968 की क्लासिक लाइफ में ये मूवी स्टार्ट होती है। ये कहानी पेंसिल्वेनिया के एक छोटे से शहर मिल वैली की है, और यहाँ दिखाया जाता है कि यहाँ के सभी लोग हेलोवीन की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ एक लड़के को दिखाया गया जिसका नाम टॉमी है। वो इस मूवी का एक बैड कैरेक्टर है। वो अपने दोस्तों के साथ मस्ती मजाक कर रहा है, और यहीं पर एक कैरेक्टर दिखाया गया जिसका नाम है रोमन। तभी वहाँ से स्टेला साइकिल चलाते हुए गुजरती है। स्टेला घर पे आती है और अपने डैड को कोल्ड ड्रिंक देती है। तभी स्टेला के वॉकी से आवाज आती है। यहाँ चक और ऑगी स्टेला को हेलोवीन के लिए चलने को कहते हैं, पर स्टेला जाना नहीं चाहती, पर वो दोनों उसे शाम 7 बजे तैयार होकर मिलने को कहते हैं। इधर रेमोन पेट्रोल पंप में अपनी कार साफ करा रहा है। तभी पुलिस चीफ रेमोन से कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि रेमोन इस शहर का नहीं है। रेमोन कहता है हार्वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। और इधर ऑगी की माँ ऑगी को हॉलीवुड के लिए तैयार करती है। चक भी स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम पहन के तैयार है, और उसने एक प्लास्टिक में टॉयलेट भर के रखा है ताकि वो टॉमी से बदला ले सके। ऑगी भी वहाँ आ जाता है, और फिर वो दोनों साइकिल से स्टेला के पास पहुँचते हैं। फिर सभी सड़क के किनारे चल रहे होते हैं। स्टेला चुड़ैल बनी है, चक स्पाइडरमैन और ऑगी क्लाउन। ये तीनों सड़क के किनारे चल रहे होते हैं। इतने में टॉमी और उसके दोस्त कार में वहाँ आते हैं। साथ में चक की बहन रुथ भी उनके साथ होती है। टॉमी का दोस्त चक के हाथ से उसका चॉकलेट वाला थैला छीन लेता है, पर उसे बहुत गंदा बदबू आता है तो वो कार को रोक देते हैं। इतने में चक ऑगी और स्टेला उन पे अंडे फेंक कर मारते हैं, और फिर चक टॉयलेट से भरा हुआ थैला उन पे आग लगा करके अंदर फेंकता है। इससे टॉमी के पैंट में आग लग जाती है और उसका कार फेंस से टकरा जाता है। फिर टॉमी उनको मारने के लिए दौड़ाता है। ये तीनों भी यहाँ से भागते हुए एक कार मूवी थिएटर में पहुंच जाते हैं। यहाँ रेमोन कार में बैठकर मूवी देख रहा होता है। स्टेला रेमोन से कहती है कि हम भी कार में आ सकते हैं, तो रेमोन उन्हें कार में बैठा लेता है। इतने में वहाँ टॉमी आ जाता है और उनसे बाहर आने को कहता है, तो रेमोन टॉमी को वहाँ से जाने को कहता है। फिर सभी दर्शक जो कार में बैठे हैं वो भी टॉमी को वहाँ से जाने को कहते हैं, क्योंकि उनको परेशानी होती है मूवी देखने में। फिर इधर तीनों में दोस्ती हो जाती है। स्टेला कहती है कि चलो हंटेड हाउस देखने चलें। फिर तीनों एक हंटेड हाउस में पहुंचते हैं। स्टेला बताती है कि ये घर बेलो फैमिली का है जो 1900 के आसपास यहाँ रहते थे। ये घर पूरा वीरान है। स्टेला बताती है कि इस फैमिली के कई सारे सीक्रेट हैं। उनकी एक बेटी थी जिसे वो कभी भी घर से बाहर नहीं जाने देते थे, क्योंकि उनके फैमिली वालों को लगता था कि उसके अंदर एक बुरी आत्मा है। पूरा परिवार उस पर यातनाएं करता था। उसे घर के तहखाने में बांध के रखते थे। उसका नाम था सारा। चक ऑगी को डराता है। फिर चक वहाँ से भागकर ऊपर छिप जाता है। ऑगी उसके पीछे जाता है। इधर स्टेला रेमोन को बताती है कि बच्चे यहाँ आते थे और सारा उन्हें दीवार के पीछे से कहानियां सुनाती थी। फिर बच्चे मरने लगे बीमारियों से और अनजान तरीके से। सबको लगता था कि ये सारा ने किया है। इससे पहले कि सारा पर इल्जाम साबित होता, सारा ने फांसी लगा लिया। इतने में रेमोन को वहाँ एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। वो दोनों नीचे जाते हैं। ये तहखाना है जहाँ सारा को बांध कर रखा जाता था। इधर ऑगी अभी भी चक को ढूंढ रहा है। चक एक अलमारी में छिप जाता है। फिर धीरे से अलमारी के दरवाजे को खोलता है तो वहाँ वो कमरा बिल्कुल बदल जाता है, एकदम नया दिखता है, और वहाँ एक डॉग बैठा हुआ है। तभी वहाँ ऑगी आ जाता है तो सब कुछ पुराना पहले जैसा ही हो जाता है। चक डर के मारे नीचे आ जाता है। स्टेला उन्हें चिल्लाकर नीचे तहखाने में आने को कहती है। चक और ऑगी तहखाने में आ जाते हैं। यहाँ तहखाने में स्टेला को सारा की डायरी मिलती है जिसमें सारा ने अपने खून से हॉरर स्टोरी लिखी हुई है। टॉमी वहाँ आ जाता है और तहखाने का दरवाजा बंद कर देता है। रूथ टॉमी से कहती है कि मेरा भाई भी अंदर है, तुम उन्हें ऐसे बंद नहीं कर सकते। तो टॉमी रूथ को भी अंदर तहखाने में ढकेल कर दरवाजा बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। ये सभी डरे हुए हैं और दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर टॉमी तो जा चुका है। स्टेला इसी बीच डायरी को खोलकर पढ़ने लगती है और कहती है, सारा बेलो टेल मी अ स्टोरी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल जाता है खुद ब खुद और वो सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ बाहर रेमोन की कार खड़ी थी जिसे टॉमी ने तोड़ दिया है। रेमोन कहता है, मुझे यही रुकना होगा, सुबह कार ठीक करके चला जाऊंगा। तो स्टेला कहती है, मेरे घर के बेसमेंट में तुम रुक सकते हो। फिर रेमोन
स्टेला के घर आ जाता है। स्टेला के डैड सो चुके हैं, रेमोन भी बेसमेंट में जाकर सो जाता है। स्टेला अब सैरा की डायरी पढ़ने लगती है जिसमें ज्यादा स्टोरी नहीं है, लेकिन एक स्टोरी जो अभी अभी लिखी गई है जिसका ब्लड सूखा नहीं है। इसमें टॉमी का नाम लिखा है और वो कैसे मरता है या मरेगा ये भी लिखा हुआ है। अगले सीन में दिखाया गया है कि टॉमी घर पहुंचता है और वो बहुत नशे में है। उसकी माँ उसे डांटती है और कहती है कि तुम्हें अभी इसी वक्त पड़ोसी को अंडे पहुंचाना होगा। टॉमी एक बकेट में अंडे लेकर खेत के रास्ते से पैदल जा रहा है। वो काक भगोड़े को धक्का देता है और आगे जाने लगता है। वो काक भगोड़ा जिंदा हो जाता है और टॉमी के पीठ में हुक से वार करता है और देखते ही देखते टॉमी भी एक काक भगोड़े में बदल जाता है और उसी जगह टंग जाता है। सुबह रेमोन अपनी कार को गैराज में ठीक करा रहा है, तभी वहाँ पुलिस चीफ आता है। टॉमी गायब है और इसलिए रेमोन को कुछ दिन इसी शहर में रहने को कहता है क्योंकि उसे रेमोन पे शक है। स्टेला ऑगी और चक को बताती है कि इस बुक में एक स्टोरी लिखा रहा है जिसके इंक बिल्कुल ब्लड की जैसी है और वो अभी भी गीला है। इसमें टॉमी के बारे में लिखा हुआ है और टॉमी भी कल से लापता है। वो दोनों इसे हल्के में लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। स्टेला और रेमोन खेत में आते हैं और देखते हैं कि काग भगोड़ा वही जैकेट पहना हुआ है जो टॉमी ने रात को पहना हुआ था। स्टेला कहती है कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जो स्टोरी में लिखा हुआ है। रेमोन कहता है ये सब बकवास है, ये तो बस एक काग भगोड़ा है। स्टेला भी अब स्कूल आती है पर वो वहाँ से सैरा के घर जाकर वो डायरी वहीं रख देती है और घर आ जाती है। स्टेला के डैड काम के सिलसिले में बाहर जा रहे होते हैं, कहते हैं मैं कुछ दिन बाद वापस आऊंगा। इधर रूथ के चेहरे पर स्पाइडर के काटने से एक बड़ा सा पिंपल जैसा हो गया है। रेमोन स्टेला के घर आ जाता है। स्टेला कहती है मुझे लगा कि तुम चले गए। थोड़ी देर बाद रेमोन सैरा के डायरी को पढ़ रहा होता है। स्टेला कहती है कि तुम्हें ये डायरी कहाँ से मिली। रेमोन कहता है यहीं पर थी। स्टेला कहती है मैंने ये डायरी वापस सैरा के घर पे छोड़ दिया था, ये यहाँ कैसे आई। फिर स्टेला डायरी ओपन करती है तो उसमें एक स्टोरी लिख रहा होता है। स्टेला पेज को फाड़ देती है तो अगले पेज पे स्टोरी लिखना शुरू हो जाता है। उस स्टोरी में ऑगी का नाम लिखा होता है और वो कैसे मरेगा ये भी। फिर स्टेला वॉकी के जरिए ऑगी से बात करने की कोशिश करती है पर आवाज कट कट के आता है। स्टेला ऑगी से कहती है कि कुछ भी मत खाना, पर ऑगी फ्रिज में से सूप निकालता है और उसे खाने लगता है। रेमोन और स्टेला ऑगी को मना करते हैं कि तुमने किसी का अंगूठा खा लिया है, डायरी में लिखा जा रहा है। ऑगी मजाक समझता है और अंगूठा खा लेता है। फिर उसे किसी के कदमों की आवाज आती है, वो बहुत डरा हुआ है और स्टेला से पूछता है कि आगे क्या लिखा हुआ है। स्टेला कहती है कि एक आवाज आएगा कि मेरा अंगूठा किसने लिया। ऑगी को वो आवाज सुनाई देता है कि मेरा अंगूठा किसने लिया। ऑगी अपने कमरे में आके दरवाजा बंद कर देता है। ऑगी को उस क्रीपी भूत के चलने की आवाज आती है जो उसके कमरे की तरफ आ रहा है। ऑगी अपने बेड के नीचे छिप जाता है पर वो भूत उसे बेड के नीचे से दीवार के अंदर खींच लेता है। स्टेला और रेमोन ऑगी के घर आ जाते हैं और बेड को हटा के देखते हैं तो वहाँ नाखून के निशान है। वो समझ जाते हैं कि ऑगी नहीं रहा। अगले दिन पुलिस ऑगी को ढूंढ रही है और इधर स्टेला और रेमोन चक और रूथ को वो स्टोरी दिखाते हैं जिससे ऑगी मरा था। रूथ इस बात पे यकीन नहीं करती और वो कहती है कि हेलोवीन खत्म हो चुका है, अब डराना बंद करो, आज रात को मेरी म्यूजिकल्स है। फिर वो सब सैरा के बारे में और भी जानने के लिए शहर के ही एक ओल्ड पेपर कलेक्शन मिल में जाते हैं। वहाँ पर पड़े पुराने पुराने पेपर्स को वो चेक करने लगते हैं। यह उन्हें पता चलता है कि सैरा की पूरी फैमिली गायब है। सैरा के लिखे डायरी में उनकी कहानी है जिसका मतलब सैरा का पूरा परिवार उसके स्टोरी के वजह से मर चुके हैं, सिर्फ एक ही बचा हुआ है। स्टेला डायरी देख रही होती है, इतने में एक नई स्टोरी लिखना शुरू हो जाता है। ये स्टोरी रूथ की है। फिर वो सभी रूथ की तरफ भागते हैं। रूथ अभी स्कूल में है और म्यूजिकल्स के लिए तैयार हो रही है पर उसके चेहरे पर स्पाइडर के काटने से एक बहुत बड़ा पिंपल जैसा हो गया है। रूथ बाथरूम में जाकर के उस पिंपल को देखती है तो अंदर से एक पैर बाहर निकलता है और देखते ही देखते उसी पिंपल से बहुत सारे स्पाइडर्स बाहर निकलते हैं। रूथ एक कोने में बैठकर चिल्लाने लगती है, इतने में वहाँ तीनों पहुँच जाते हैं। चक उस पे पानी फेंकता है जिससे स्पाइडर भाग जाता है, लेकिन रूथ बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाती है। उसे स्कूल से ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वो सभी उस आखिरी बचे मेंबर के पास जाते हैं। स्टेला उसे कहती है कि हमारे पास सैरा की डायरी है। वो लेडी उन्हें बताती है कि ये डायरी मैंने ही सैरा को दिया था, तुमने इस डायरी को वहाँ से निकाल कर बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम लोगों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। फिर उस लेडी की बेटी उन्हें बताती है कि सैरा ने हॉस्पिटल में इलाज के दौरान फांसी लगा ली थी।
तुम्हें वहीं जाकर के पता करना चाहिए। तो फिर वो तीनों हॉस्पिटल जाते हैं सैरा के पुराने रिकॉर्ड्स देखने। वो रिसेप्शन में जाकर कहते हैं कि हमें स्कूल असाइनमेंट के लिए कुछ पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने, पर रिसेप्शनिस्ट उनको मना कर देती है। फिर तीनों छुप छुपा करके अंदर जाते हैं, चक को वही निगरानी करने के लिए छोड़ देते हैं। स्टेला और रेमोन रिकॉर्ड रूम में जाकर रिकॉर्ड चेक करने लगते हैं। चक वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है, पर उसे गार्ड्स देख लेते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। चक भागकर एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां चारों तरफ गली है। गार्ड्स ने रेड लाइट भी ऑन कर दिया है और अलार्म भी चालू कर दिया है। इधर स्टेला और रेमोन को वहां सैरा का एक वॉइस रिकॉर्ड मिलता है जिसे वो सुनते हैं, जिससे उनको ये पता चलता है कि सैरा को उसकी फैमिली ने ही इस हॉस्पिटल में एडमिट किया था और सैरा का भाई ही डॉक्टर था। वो लोग उसे इलेक्ट्रिक शॉक देते थे, इसी तकलीफ के वजह से सैरा ने फांसी लगा ली थी। फिर उसी रिकॉर्ड से सैरा एक स्टोरी बताना शुरू करती है। स्टेला डायरी निकाल कर देखती है तो उसमें भी वही स्टोरी लिखा रहा होता है। इसमें चक का नाम लिखा है। फिर वो दोनों चक को ढूंढने जाते हैं। चक इधर उधर भागने लगता है पर सभी तरफ एक जैसे रास्ते होने की वजह से चक को समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। फिर वो देखता है कि एक गली से एक औरत उसके तरफ चली आ रही है। फिर वो दूसरी गली में भागता है तो उधर भी वही औरत, चारों तरफ से वही औरत उसको दिखाई देती है। फिर धीरे से वो डायन या औरत चक को अपने अंदर समेट लेती है। स्टेला और रेमोन वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां चक का पेन गिरा हुआ है। फिर गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं और दोनों को पकड़ करके पुलिस के हवाले कर देते हैं। फिर दोनों को सेल के अंदर रख देते हैं। रात होती है, पुलिस चीफ सैरा की डायरी को पढ़ रहा होता है और उस समय पुलिस स्टेशन में वो पुलिस चीफ और स्टेला और रेमोन ही है, बाकी कोई नहीं है। तो वो पुलिस चीफ देखता है कि सैरा की डायरी में स्टोरी लिखा रहा है और उसकी इंक अभी भी ताजी है। फिर उसका डॉग अजीब सी हरकत करने लगता है। फिर चिमनी से एक आवाज आने लगता है। पुलिस चीफ बड़ी हैरानी से चिमनी की तरफ देख रहा होता है। स्टेला पूछती है किसका नाम लिखा है। पुलिस कहता है रेमोन। फिर चिमनी से एक कटा हुआ सर गिरता है और वो बात करने लगता है तो पुलिस चीफ उस पर गोली भी चलाता है। देखते ही देखते हाथ पैर और फिर पूरी बॉडी चिमनी से गिरता है। तभी वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स जुड़ करके एक काफी बड़ा आदमी बन जाता है। वो पुलिस चीफ के गर्दन को मोड़ करके उसे स्टेला की तरफ फेंक देता है और कहता है कि मैं जंगली हूँ और मुझे रेमोन चाहिए। वो रेमोन की तरफ बढ़ता है। रेमोन सेल के अंदर है तो वो जंगली सेल के अंदर घुसने की कोशिश करता है। इतने में स्टेला पुलिस चीफ के पास से चाबी निकाल कर रेमोन की सेल को खोल देती है और वो दोनों वहां से भागते हैं। रेमोन स्टेला से कहता है कि तुम सैरा के घर जाओ और उसे सच्चाई बताओ, उसे रोको, वो जंगली मेरे पीछे आएगा। फिर स्टेला दौड़ते हुए सैरा के घर जाती है। रेमोन भी पुलिस की कार लेकर वहां से चल पड़ता है और जंगली रेमोन के पीछे है। वो जंप करके कार के बोनेट में आ जाता है और कार को तोड़ने लगता है। रेमोन कार को एक ट्रक से टकरा देता है जिससे जंगली वहीं फंस जाता है। रेमोन जल्दी से कार से निकल करके भागता है। जंगली अपने बॉडी पार्ट्स को अलग अलग करके वहां से निकल कर रेमोन का पीछा करना शुरू करता है। इधर स्टेला सैरा के घर में आ चुकी है और आकर के जोर से चिल्ला के कहती है कि तुम ये सब बंद करो, तुम्हारी कहानी के वजह से मेरे सारे दोस्त मर चुके हैं, तुम अपनी डायरी रख लो और ये सब बंद करो। तभी वहाँ सब कुछ बदल जाता है। स्टेला उस समय में पहुँच जाती है जब सैरा जिंदा थी। रेमोन भी अब सैरा के घर पहुँच चुका है। सैरा की डायरी वहीं पड़ी हुई है पर वहाँ स्टेला कहीं नजर नहीं आती। इधर बुक में एक नई स्टोरी लिखी जा रही है जो कि स्टेला के बारे में। तभी जंगली भी वहाँ आ जाता है। रेमोन जल्दी से छुप जाता है। यहाँ स्टेला सैरा बन जाती है, मतलब जो सैरा के साथ हुआ था वो अब स्टेला महसूस कर रही है। सैरा की फैमिली अब स्टेला को पकड़ के, मतलब स्टेला अभी सैरा है तो अब उसकी फैमिली स्टेला को उसी तहखाने में लाके बंद कर देते हैं। स्टेला देखती है कि वहाँ सैरा बैठी हुई है। सैरा स्टेला के पास आती है। स्टेला सैरा से कहती है कि तुम ये सब बंद कर दो, मैं जानती हूँ कि तुम बुरी नहीं हो, तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, पर तुम अब जो कर रही हो वो गलत है, मेरे दोस्त मर चुके हैं और एक मरने वाला है, तुम ये सब बंद कर दो, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी अच्छाई कहानी के माध्यम से बताऊंगी। फिर सैरा स्टेला को अपनी पेन देती है और कहती है कि सिर्फ खून से लिख सकती हो। स्टेला उसी डायरी में अपने खून से लिखना शुरू करती है कि सैरा निर्दोष थी, उसके घर वालों ने ही सैरा को बदनाम किया और उसे इतना प्रताड़ित किया कि सैरा ने अपनी जान दे दी। अब सैरा वहां से चली जाती है और जंगली भी चला जाता है। रेमोन और स्टेला मिलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है पर उसके दोस्त वापस नहीं आते। अब स्टेला कहती है कि एक न एक दिन मैं अपने दोस्तों को ढूंढ लूंगी। दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म होता है। अगर मूवी अच्छी लगी है और इसी प्रकार से इंटरेस्टिंग मूवी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।